बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनटीएस टेक स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में स्क्वायर रूट को हल करने का इंतहाई इजी तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी हिस्से का, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना यही आसान होगा, जस्ट इन 2 सेकंड। दोस्तों, शुरू में आपको ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा होगा, लेकिन यकीन जानिए इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। इंतहाई इजी ट्रिक्स है। वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ एक दफा ट्राई करें, समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स के पेपर में आते हैं, अगर इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे तो काफी टाइम जाया होगा। तो इसलिए अगर हम ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट 2 सेकंड में हम हल करेंगे और बाकी टाइम जो है वो किसी और क्वेश्चन के लिए रख देंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकॉन को भी क्लिक करें। इसका फायदा ये होगा कि मैं जितने भी वीडियोज अपलोड करता जाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ऑलरेडी मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ आसानी के लिए। क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 729 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले आपको एक बात का याद होना चाहिए दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक के जितने हिंसे हैं उसका स्क्वेयर आपको आना चाहिए। जिस तरह 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वेयर 4 है, 3 स्क्वेयर 9 है, 4 का स्क्वेयर 16 है, 5 का स्क्वेयर 25 है, 6 का स्क्वेयर 36 है, 7 का स्क्वेयर 49 है, 8 का स्क्वेयर 64 है, 9 का स्क्वेयर 81 है और इसी तरह 10 का स्क्वेयर जो है ये 100 है। और ये तकरीबन हर किसी को पता है इतिहाई इसी काम, क्योंकि इसी टेबल के बुनियाद पर हम अपने क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन हमारे पास कैसा है। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये 729, तो इसके पहले 2 इंच को आपने कंसिडर करने के, देखें ये पहले यूनिट वाले 2 इंच है 29, ठीक है, और 29 में भी पहला इंच है 9। इस इंच को देखें, ये इस टेबल में देखें कि किस इंच के स्क्वायर में आता है। 3 को अगर हम देखें, 3 स्क्वेयर जो है 9 है, यहाँ पर आया है, और 7 के स्क्वेयर को हम देखें 7 7 8 49, यूनिट वाला इंच हम कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो आएगा तो उसका पहला हिस्सा या तो 3 होगा या 7 होगा। तो इसको आसानी के लिए हम यहाँ इसको लिख देते हैं, 3 होगा या 7 होगा। दोस्तों, इसको यहाँ पर मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा कि आप बेशक इसको किसी और जगह लिखे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने यहाँ लिखना है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो इन सब बच गया 7 को देखिए। अब 7 भी इस टेबल में देखे कि 7 कहाँ पर रहता है। अगर हम देखें 2 2s are 4, तो 4 7 से कम है, 3 3s are 9, 9 जो है 7 से ज्यादा है। तो हमने छोटे हिस्से को कंसिडर करना है, 2 2s are 4, तो हमने 2 को लेना है, ये हमने 2 लिख लिया। अब 2 के साथ 1 जमा करें तो 3 आ जाएगा, तो उसी 3 को इस 2 को जरब दे दें, ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखें दोस्तों, ये जो 6 आ गया, ये वाला 6 और ये 7 जो है, इन दोनों को कंपेयर करना है। किस लिए कंपेयर करना है? ताकि हमने इन दोनों में से एक हिंसा लगाना है कि 3 लगाना है या 7, ठीक है। तो 6 और 7 को अगर हम कंपेयर कर ले तो हमें पता चल जाए कि जो 7 जो है दोस्तों, दिस इज ग्रेटर देन 6, 7 जो है ये 6 से ग्रेटर है। जब 7 6 से ग्रेटर है तो यहां पर हमने बड़ा हिस्सा लेना है, तो ये 7 हमने लेना है, ठीक है दोस्तों। यहां पर हमने 2 लिया था, 2 और 7, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 27, इसका आंसर हमारे पास 27 आ जाएगा। आप बेशक इसको चेक कर ले, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर ये है हमारे पास। कितना आसान तरीका है दोस्तों,
अगर दो तीन दफा खुद करोगे तो किसी किस्म का आपको कोई मुश्किल नहीं आएगा। वंस अगेन आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो हिंसे हमें दिए गए हैं उसमें से यूनिट वाले दो हिंसे सेलेक्ट करें, उसमें भी पहले इनसे को टेबल में देते हैं। यहाँ कहाँ पर आता है, थ्री में आता है और सेवन में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आप यहाँ लिखे, किसी और जगह लिखे बेशक, यहाँ जरूरी नहीं, ये तो मैंने अपनाने के लिए। तो आप जो सेवन करेंगे इसको भी टेबल में देखे कि ये कहाँ पर होता है, तो टू टू जर फोर, क्योंकि नाइन बड़ा होता है तो छोटे से को टू लिया, टू के साथ एक प्लस करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आ जाएगा सिक्स। अब इस सिक्स और सेवन को आपस में कंपेयर कर लें, सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स। जब सेवन बड़ा है सिक्स से, तो हमने उन दो इंचों जो हमने पहले सेलेक्ट किए थे उनमें से हमने बड़े इंचों को सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 576। तो यहाँ पर यूनिट वाले दोनों इंचों को देखें, 76 को देखें, इसमें फिर 6 को देखें, 6 देखें यहाँ पर कहाँ थे, 4 4 16 यहाँ पर आ गया और ये 6 6 36 यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि इसका हिस्सा जो होगा पहला हिस्सा या तो 4 होगा या 6 होगा। यहाँ इसको अपने अपने पास लिखते हैं 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं कि इनमें कौन सा हिस्सा है, तो अब हमने अब आ गया 5 5 को देखे, तो 5 2 2 4 3 3 9 9 जो है बड़ा हो जाता है, तो 2 को हमने कंसिडर करना है। तो देखिए दोस्तों 2 2 4 2 को लिख के 2 के साथ एक जमा करें 3 आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा। अब 6 और 7 को क्या करना है, इसको आपने कंपेयर करना है, तो 5 इज लेस देन 6, 5 जो है ये 6 से छोटा है, तो 5 6 से छोटा है तो हमने वहां छोटा हिस्सा लेना है। हमने क्या करना है, इन दोनों में से छोटा हिस्सा हमने लेना है, तो छोटा हिस्सा हमारे पास 4 है, तो हमारे पास पहले ये 2, ये 2 आ गया और फिर ये 4, 24 आंसर आ गया दोस्तों, 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास है 676, 7 6 7 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनमें से दो इंच ले ले, पहला इंच 6 है, तो 6 हमारे पास आएगा 4 में, और 4 8 16 और 6 6 8 36, इसका मतलब है तो ये हिस्सा या तो 4 होगा और या ये 6 होगा, ठीक है। अब आखिर हिस्सा ले गया हमारे पास 6, ये वाला 6 वाला, तो इसको भी हम देखें तो 2 2 4 में ये आता है, क्योंकि 3 3 9 बढ़ता है, तो हमारे पास ये फिर आ गया 2 आ गया, 2 को अगर हम लगा लें 2 के साथ एक जमा करो तो 3 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर दोबारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखे 6 और 6 को हम पर कंपेयर करें, तो 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमारे पास रूल था अगर ये कंपेरिजन में ये इसके छोटा होता तो हमने छोटा इंच सेलेक्ट करना, बड़ा होता तो बड़ा इंच सेलेक्ट करना। अब अगर ये दोनों बराबर है तो हमने क्या करना है, बराबर की सूरत में भी हमने बड़ा इंच सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है कि हमारे इसलिए आसानी रहे, तो ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑलरेडी है, 2 उधर से सेलेक्ट किया हमने, तो इस हमारे पास आंसर आ जाएगा 26, इसका आंसर आ गया 26, ठीक है। अब जो 4 डिजिट वाला क्वेश्चन करते हैं, 4 डिजिट्स हम देखें, ये हमारे पास 4 डिजिट हैं, 6241, इसमें भी वही तरीका अप्लाई करें, दो पहले दो हिस्से ले लें, इनमें से पहला यूनिट वाला हिस्सा 1, तो 1 हमारे पास यहाँ पर भी आता है और 9981 यहाँ भी आता है, ठीक। एक बात कंफ्यूज, आप ये देखिए 4 4 16 1 यहाँ पर भी आता है, लेकिन ये यूनिट नहीं, ये दूसरे पर हमने पहला हिस्सा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हिस्सा, इसका यूनिट वाला हिस्सा या तो 4 होगा या 9 होगा दोस्तों, ठीक है, ये तो या तो 9 होगा और या 1 होगा। अब देखिए 64 रहता है, 62, अब 62 देखते हैं कहाँ पर आता है, 8 8 64 ज्यादा है तो हमने 7 को लेना है, 7 7 49,
अब सेवन को लेना है हमने, तो सेवन को लिख के सेवन के साथ एक जमा करें तो क्या आएगा, एट आएगा, और एट को सेवन से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाएगा, और 56 और 62 को अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, तो 62 इज ग्रेटर देन 56, ये 56 ये ग्रेटर है तो हमने वहां पर बड़ा आंसर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 79, दिस इज द आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, इंतहाई मजे की ट्रिक है दोस्तों, इसको लाजमी याद करें, किसी भी मोड़ पर आपका काम आएगा, आपकी टाइम को बचत करेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर लाजमी करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।